जय श्री केदार, हर हर महादेव। कैसे आप सभी दोस्तों, आज है 22 मई और आप सभी को श्री केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर क्राउड कैसा है, दर्शन किस प्रकार प्राप्त हो रहे हैं और मौसम किस प्रकार बना हुआ है और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या अपडेट है, इन सभी बात की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इसलिए वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों, नंबर वन अपडेट में बात करें तो केदारनाथ धाम में क्राउड कैसा है, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, केदारनाथ यात्रा पर क्राउड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाया है और दिनों दिन क्राउड और ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है। पहले केदारनाथ धाम में 30,000 से 35,000 यात्री एक दिन में पहुँच रहे थे, लेकिन कल 21 मई को 38,000 यात्री केदारनाथ धाम पहुँचे हैं। तो आप सभी खुद सोच सकते हैं कि क्राउड इन दिनों कितना ज़्यादा बढ़ता ही जा रहा है और फिलहाल क्राउड कंट्रोल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। दिनों दिन 3 से 4 हज़ार यात्री प्रतिदिन बढ़ ही रहे हैं और कल का दृश्य आप सभी देख सकते हैं, सोनप्रयाग में जो है यात्रियों की भयंकर भीड़ उमड़ पड़ी थी। दोस्तों, क्राउड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाया है, अभी भी यात्रा पर भगदड़ मचा हुआ है, कई बार यात्रियों के बीच मारपीट भी हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, इस समय जो है केदारनाथ धाम पर पूरे मई महीने क्राउड बिल्कुल भी कम नहीं होने वाला है। तो जो भी यात्री मई के महीने में केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं और अगर उनका रजिस्ट्रेशन हो गया है और वे यात्रा पर आना चाहते हैं, तो क्राउड का सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि पूरे मई महीने क्राउड बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होने वाला है। वहीं दोस्तों, नंबर टू अपडेट में बात करें ट्रैफिक को लेकर, तो आप सभी को बता दूं, इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर हजारों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है, इसलिए हजारों गाड़ियां केदारनाथ यात्रा पर श्रद्धालुओं को लेकर आ रही है। तो ट्रैफिक में थोड़ा सा सुधार हुआ है, क्योंकि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा सख्ती का नियम लागू किया है, इसलिए जो है ट्रैफिक में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन यात्रियों को अभी भी 4 से 5 घंटे ट्रैफिक में रहना ही पड़ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गाड़ियां केदारनाथ यात्रा पर आ रही है। और आप सभी को पता ही होगा कि केदारनाथ यात्रा में गुप्तकाशी के आगे जो है सिंगल लेन है, तो यात्रियों को थोड़ा प्रॉब्लम अभी भी हो रहा है और ट्रैफिक में अभी भी यात्री फंस ही रहे हैं। वहीं दोस्तों, नंबर थ्री अपडेट में बात करें तो केदारनाथ यात्रियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ आप सभी के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि अभी तक जो भी यात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे थे, इतनी मुसीबत से उन्हें सिर्फ सुबह 6 बजे तक ही गर्भगृह में दर्शन प्राप्त होता था और जो भी यात्री सुबह 6 बजे के बाद दर्शन करते थे, उन्हें बाहर सभा मंडप से ही दर्शन करवाया जाता था। लेकिन अब नियम चेंज हो चुका है, अब शाम 3 बजे तक सभी यात्रियों को गर्भगृह में ले जाकर दर्शन करवाया जाएगा और सभी यात्री गर्भगृह में बाबा के शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं, घी चंदन का लेप लगा सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ श्रद्धालुओं के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, ये न्यूज़ जो है सच में बहुत ही बड़ी है, क्योंकि हजारों श्रद्धालुओं की ये मनोकामना होती थी कि केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा के शिवलिंग को स्पर्श करें और आप सभी का ये सपना अब पूरा हो गया है, क्योंकि ये नियम कल से लगा दिया गया है कि फिलहाल कितना भी ज़्यादा क्राउड क्यों ना हो, शाम 3 बजे तक सभी श्रद्धालुओं को गर्भगृह में ले जाकर दर्शन करवाया जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सभी इन दिनों केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं, तो करीब 70% ऐसे श्रद्धालु हैं जिन्हें गर्भगृह में ले जाकर दर्शन करवाया जाएगा, और अगर आप सभी शाम 3 बजे से पहले दर्शन कर लेते हैं, तो आपको बाबा के शिवलिंग को स्पर्श करने का भी मौका मिल जाएगा। वहीं दोस्तों, अगली अपडेट में बात करें तो केदारनाथ धाम में मौसम कैसा है, तो दोस्तों आप सभी को बता दूं, केदारनाथ धाम में इस समय दोपहर बाद अभी भी मौसम बिगड़ जाता है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी, बर्फबारी, बारिश होती है, लेकिन मौसम की तरफ से कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, यात्रा इस समय बहुत ही सुरक्षित है मौसम के हिसाब से, और यही कारण है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धालु इस समय केदारनाथ यात्रा पर आ रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर आप सभी को बता रहे हैं कि केदारनाथ धाम में मौसम भारी ख़राब है, ये है वो है, वे सभी घर बैठकर आप सभी को अपडेट दे रहे हैं। मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ, केदारनाथ धाम में दोपहर बाद थोड़ी बहुत आधे एक घंटे के लिए मौसम बिगड़ता है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, लेकिन इससे यात्रा पर कोई भी असर देखने के लिए नहीं मिलता है, सभी यात्री इस समय रेनकोट लेकर आ रहे हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और मौसम बेहद ही अच्छा है, मौसम के हिसाब से
कोई भी प्रॉब्लम यात्रा को लेकर नहीं है, तो आप सभी को मौसम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं लेना है, कोई भी परेशानी नहीं लेना है। बहन दोस्तों, नंबर 5 अपडेट में बात करें तो जो भी यात्री ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए हरिद्वार और ऋषिकेश में अभी तक खड़े हैं, उन्हें मैं बता दूं 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो गया है। और ये बात उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी ने खुद कन्फर्म किया है। तो भाई साहब, अब आप सभी किसी भी इंतज़ार और जुगाड़ में नहीं रहो, आप सभी वापस घर लौट जाओ, क्योंकि अब 31 मई तक ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं खुलने वाला है। और अगर 31 मई को रजिस्ट्रेशन खुलेंगे भी तो 8 जून के बाद आप सभी को स्लॉट मिल पाएगा। तो इतने दिन आप सभी उत्तराखंड में क्या कर रहे हैं, आप सभी वापस घर आ जाएं, फिर से आप सभी दोबारा जून के महीने में यात्रा पर जाएंगे। और वैसे आप सभी को बता दूँ, जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान है, वे सभी एक काम करें, अभी जून महीने के लिए जो स्लॉट आप सभी को दिखाई दे रहा है, आप सभी वही ऑनलाइन बुक करके रख लीजिए, क्योंकि दिनों दिन स्लॉट का डेट और आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आप सभी को जून महीने में केदारनाथ यात्रा पर आना है, तो फिलहाल जो भी स्लॉट खाली दिख रहा है, उसमें ही अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो दोस्तों, ये रहा केदारनाथ यात्रा से जुड़े सभी लेटेस्ट अपडेट। इसी के साथ ऐसा भी सुनने को मिला है कि अब तक चार धाम यात्रा पर 17 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, और केदारनाथ धाम में भी करीब 3 से 4 यात्रियों की जान जा चुकी है। आप सभी देख सकते हैं, जो भी यात्री की यहां पर जान जाती है, उन्हें हेलीकॉप्टर से नीचे भेजा जाता है। तो दोस्तों, ये ऑक्सीजन की कमी के कारण या यात्रियों का सेहत बिगड़ जाता है, इससे ही ऐसा हो रहा है। बाकी इसका ज़्यादा अपडेट मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप सभी को बता दूं, अगर आप सभी यात्रा पर आते हैं तो सावधानी और सुरक्षित पूर्वक ही अपनी यात्रा करें। बाकी दोस्तों, कल के अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री केदार, हर हर महादेव।